जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरी इस चैनल कुछ खास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ और इस प्लांट का नाम है बॉक्सवुड शर्प। ये प्लांट जो है दोस्तों, इसके लगभग 70 स्पेसेस आपको मिल जाएंगे और इस प्लांट का नेटिव प्लांट है यूरोप, साउथ वेस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, नॉर्दर्न मोस्ट साउथ अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा में लगभग इसके 30 स्पेसेस मिलेंगे, चाइना में अप्रॉक्स 70 स्पेसेस और मेडागास्कर में लगभग 9 स्पेसेस के लगभग मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली जो है दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं ये प्लांट, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी आपको मिलेंगे और नर्सरीज़ में मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाते हैं। अब नर्सरीज़ में आप बॉक्सवुड प्लांट बोलने से वो लोग आपको दे देंगे ये प्लांट। और ये प्लांट जो होती है बहुत हार्डी होती है दोस्तों, इसकी पत्तियाँ जो होती है बहुत हार्ड होती है, साथ ही साथ टहनियाँ भी हार्ड होते हैं, तो शायद यही कारण है कि इसका नाम बॉक्सवुड पड़ा है इस प्लांट का नाम। और आप जो पूरी वीडियो में आप इस पौधे की संरचना को भी देखिए, ताकि आपको, आप जब लेने जाए नर्सरी में, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसे लेने में आपके पौधे को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मैं दिखाते जा रही हूँ और आप इसमें देखते जाइए, इसे अच्छी तरीके से थोड़ी इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते जाइए। दोस्तों, इसको तो मैंने कहा कि इसे हार्डी है और ये हार्डी प्लांट होने के साथ साथ बहुत ईजी टू ग्रो है, इसकी आपको जो केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। और पत्तियाँ आप देख रहे हैं, जो कोमल पत्तियाँ होती है वो भी थोड़ी हार्ड होती है, साथ ही साथ जो पुराने पत्तियाँ जो हैं वो तो बहुत हार्ड होती है। आप मेरे उंगलियों के अनुमान से आप लगा सकते हैं कि पत्तियाँ कितनी हार्ड होती है इसकी, जो पुराने हैं वो ज़्यादा हार्ड होगी। ये देखिए, ये जो पत्तियाँ मैंने पकड़ी हैं ये सब न्यू, जो कोमल पत्तियाँ निकली हुई हैं न्यू लीव्स की तुलना में, ये जो पुराने वाले हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं। और इसे दोस्तों, ये ना एवरग्रीन शर्ब है दोस्तों, ये 12 महीनों ग्रीन रहता है और सिर्फ ठंड के मौसम में, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है उस जगह में ये, इसे थोड़ी सी आपको ठंड के मौसम में थोड़ी बचा के रखनी पड़ेगी हवा से, तो हवा ज़्यादा ठंडी हवा मिलने से क्या होती है, ब्राउन हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ कलकत्ता में या कोलकाता में कह लीजिए, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसीलिए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ ज़्यादा ठंड है, मैं वहाँ के लिए बोल रही हूँ, इसे थोड़ी ठंडी हवा से बचाइएगा। बाकी ऐसे इसमें, इसे बिल्कुल आप आराम से रख दीजिए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल आप ये इस तरीके से आपको ग्रीन ही मिलेगी। अच्छा, मिट्टी की बात सबसे पहले मैं कर दूँ। ये देखिए, जब मैं लाई थी दोस्तों, ये पौधा बहुत छोटा सा था, लगभग मैंने इसे जब लाई थी 10 से 12 इंच का था उस वक्त, और अभी कितना बड़ा हुआ देखिए। दोनों दो पॉट में मैं इसे लगाई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो किए हैं। इसकी मिट्टी की बात सबसे पहले मैं कह दूँ दोस्तों, सैंड इसमें जो है ना, सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेना पड़ लीजिएगा आप, 50% सैंड सॉइल लीजिएगा, 40% वर्मी कंपोस्ट, 10% उसके बाद इसे लगाएं। ड्रेनेज होल चेक कीजिए, हमेशा मैं बोलती हूँ ड्रेनेज होल बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर इसमें नहीं रहने चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर से जो है ना, ये इसके जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो पानी को भी आपको इस तरीके से देना है कि जब इसकी ऊपरी सतह हल्की सी सूखे तब दीजिए, गीली नहीं रखनी है, लेकिन मॉइस्चर आपको इसके मिट्टी में बना के रखना है, इसीलिए इसे मॉइस्चर थोड़ी ज़रूरी है। इसीलिए आप चाहें तो गर्मी के मौसम में इसके मिट्टी के जगह पे आप इसको मल्चिंग कर सकते हैं, स्टोन से या फिर पेपर से, या फिर अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं पौधों के, उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। जो हम लोग बादाम खाते हैं नट्स, उसके भी जो छिलके होते हैं उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी गर्मी के मौसम में इसके मॉइस्चर को बना के रख सकते हैं। हालांकि मैं इसमें क्या करती हूँ, इसकी जो पत्तियाँ झड़ते जाती हैं मैं उसी को इसमें डालते जाती हूँ, ऐसे उसमें मैं खास मल्चिंग पे ध्यान नहीं दी हूँ, लेकिन मेरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँची है। लेकिन मैं पानी के तरफ थोड़ी ध्यान देती हूँ, पानी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जबकि ऊपर सतह थोड़ी सी सूखती हल्की सी, उसके बाद मैं पानी देती हूँ।
लाइट के बारे में आती हूँ दोस्तों। लाइट यानी आपको कहाँ रखना है, किस तरह की लाइट चाहिए। इसे जो है बिल्कुल सनलाइट चाहिए, अच्छी तरीके से फुल सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। फॉरेन कंट्री में इसके हेज बनाए जाते हैं, बाउंड्री जो बाउंड्री वॉल की जगह इसके हेज कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि नेचुरली इसमें इसे बाहर रखने से सन धूप में इसे रखना सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब इसे हेज बनाए जाते हैं तो दैट मीन्स इसे धूप में आप आराम से रख सकते हैं। पूरे ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे मेरे छत पे 12 महीने इस तरीके से पड़े रहते हैं और बिल्कुल पूरे फुल सनलाइट में रहते हैं, इसलिए इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आती हूँ फर्टिलाइज़र की बात। फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन फरवरी में और अगस्त में आप इसे थोड़ी सी जो है हेवी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, काऊ डंग वगैरह आप इसमें दे दीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से ये चलेगी। और इसीलिए मैं इसमें जो है ना फर्टिलाइज़र लिक्विड नहीं देती हूँ, एक बार फेब में और एक बार अगस्त में इसे मैं काऊ डंग दे देती हूँ। अब जो हेज की बात आती है, तो आप इसे बूशी कैसे बनाएंगे, आप इसमें पॉट में भी इसे बूशी बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, मैंने इसे कटिंग की है, थोड़ी सी आपको मोटी कटिंग मैंने ली है यहाँ पे की है, और देखिए साइड से दो ब्रांचेस निकल रहे हैं। अब मोटी कटिंग मैंने क्यों कहा, अब जो मैं कटिंग कह रही हूँ दोस्तों, उस कटिंग को आपको फेंकना नहीं है, उसी कटिंग से आपको प्रोपोगेशन भी कर देना। क्यों फेंकिएगा आप कटिंग को से, अगर आपके पास पौधा, मेरे पास दो ही है, तो अगर मैं उसे कटिंग करके और भी पौधे बना लेती हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कटिंग कभी मत फेंकिए दोस्तों, ये एक टिप्स है मेरा कि कटिंग मत फेंकिए, और मैं भी नहीं फेंकती हूँ। कटिंग लीजिए, आप इसकी कटिंग कीजिए, लगभग 5-6 इंच के लगभग कटिंग कीजिए, और उस कटिंग को कि जो नीचे की पत्तियाँ हैं, उस कटिंग की नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए, ऊपर की कुछ 5-6 पत्तियाँ रख दीजिए, उसे एक जो रूटिंग हार्मोन आता है रूटिंग हार्मोन में डालिए, और डाल के उसे आप मिट्टी में लगा दीजिए, धीरे धीरे वहाँ से ग्रो कर जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं मैंने एक कटिंग की है और दो दो ब्रांचेस करके निकलते गए। जितनी भी लाइट पत्तियाँ आपको दिख रही है, ये सभी जो है नई पत्तियाँ हैं, और ग्रीन जो डीप ग्रीन आपको दिख रही है ये है जो पुरानी पत्तियाँ हैं, ये है डीप ग्रीन। तो यहाँ से भी देखिए मैंने यहाँ पे छोटे से पतले से कटिंग किया, मैंने उसे भी नहीं फेंका है, मैंने उसे भी लगा दिया है। तो मैं, ये होता है ना दोस्तों कि मैं जो भी कटिंग लगाती हूँ, हर एक में सक्सेसफुल नहीं होती हूँ, कुछ में तो सक्सेसफुल हो ही जाती हूँ। तो आपको कटिंग नहीं फेंकना है, आपको कटिंग को उसमें लगाते जाना, चाहे मिट्टी हो या फिर आपके पास, अगर सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास जो नदी की रेत होती है, वाइट वाली जो रेत होती है ना, वो अगर रहे तो उसमें कटिंग बहुत अच्छी ग्रो करती है, आप उसमें भी कटिंग को लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ आप इसे बुशी भी बना रहे हैं और इसकी प्रोपोगेशन हो रही है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पत्तियाँ मेरे हस्बैंड ने गलती से कटिंग कर दिए थे, तो देखिए मैं इसे नहीं हटाई हूँ आपको दिखाने के लिए, कितने ख़राब लगते हैं। क्योंकि हार्डी प्लांट है तो इसके पत्तियाँ को आप कटिंग कीजिएगा तो उसी तरीके से रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन होते जाएंगे और वहाँ से कोई ब्रांचेस निकलेंगे भी नहीं। इसीलिए आपको उसकी पत्तियों को नहीं कटिंग करनी है, उसके ब्रांचेस को कटिंग करनी है, प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, उसके ब्रांचेस को करनी है, ताकि साइड से दो दो करके निकलते रहें, छोटे छोटे जो क्या बोलेंगे स्टीम टाइप के निकलते रहें और वो आपके घने होते जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस तरीके से कटिंग करना। अच्छा बक्स वगैरह की बात कर दूँ, कभी मैंने इसमें तो कई मौकों ने देखे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें स्प्रे आप कर सकते हैं नीम ऑयल की। अच्छा ये देखिए, ये जो सूखी पत्तियाँ हैं, इस सूखी पत्तियों को आप फेंके नहीं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उसके प्रोजेक्ट के काम में बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। मैं अपने बच्चे के बना चुकी हूँ प्रोजेक्ट, ये हार्डी होते हैं ना दोस्तों, तो अगर आप इसे चिपकाएंगे तो सिकुड़ेंगे भी नहीं, और बहुत अच्छी तरीके से इसमें कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कलर भी इसमें चढ़ जाते हैं। तो आप, मैं इसे नहीं ये करती हूँ, मैं उसमें इसे प्रोजेक्ट के काम में लाती हूँ। अगर आपका ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है तो आप इन पत्तियों को इसी के पॉट में डालते जाएँ, जैसे मैंने डाले, तो उससे क्या हो गए, वो डिकम्पोज होकर वो खाद भी बनते जाएंगे। तो एक टिप्स तो आपका हुआ प्रोजेक्ट का भी, एक आपका बहुत
आसान चीज़ एक मिल गया कि पत्तियों से जो बहुत कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनता है इससे भी आप बना सकते हैं। अच्छा, जो भी है प्रोपोगेशन की मैंने बात की दोस्तों, ये थोड़ी स्लो ग्रो होगी तो आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। जब तक उसमें नई ग्रोथ नहीं आती है उसे आपको हटाना नहीं है, उसे उसी तरीके से आप बालू में रख दीजिए या मिट्टी में, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे दोस्तों, इसके बारे में सब बता चुकी हूँ मैं। बहुत कोई नर्सरी से पौधा लाते हैं और बोल दी, मुझे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि मेरे पौधे के पत्तियाँ झर रहे हैं, मर रहे हैं, मेरे पौधे कैसे बिल्कुल से सिकुड़ से जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, नर्सरी से जब भी आप पौधे लाएं दोस्तों, कभी भी उसे एकदम सनलाइट में ना रखें। रिपोर्टिंग करने के बाद वो सॉकिंग पोजीशन में रहता है, तो सबसे बड़ी बात है आप उसे लगाएं, लगाने के बाद उसे आपको किसी सेडी एरिया में रखना है। लगभग 10 से 12 दिन उसे सेडी एरिया में रखिए और धीरे धीरे आप उसे धूप की तरफ लाइए। ये नहीं कि अचानक से आप धूप की तरफ लाएंगे तो फिर आपके पौधे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे सेमी सेट, फिर थोड़ी सी आप उसे थोड़ी सी धूप में, सुबह की दो तीन घंटे की धूप लगाइए, फिर उसे थोड़ी सी सेट में रखिए। इस तरीके से उसको हैबिट करवा देना है एटमॉस्फेयर के साथ। एक तो वो उसे आप नर्सरी से ला रहे हैं, वो एक सॉकिंग पोजीशन में आप वो आ जाता है, जब आप उसे लगाते हैं वो दूसरे एटमॉस्फेयर में था, आप उसे दूसरे एटमॉस्फेयर में ला रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा समय चाहिए दोस्तों उसे स्टेबल होने में, तो वो समय हम लोग को देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, बहुतों का ये क्वेश्चन रहता है कि नर्सरी से लाने के बाद पौधे कैसे ख़राब हो जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से कीजिए, आपके पौधे बिल्कुल सही सलामत रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मैं सही चीज़ दिखाऊँ और सही गाइड करूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता।